देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच टमाटर समेत अन्य सब्जियों की बढ़ती कीमत ने आम लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोलती हैं। वहीं योगी सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला टमाटर की कीमत को लेकर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी चीजें महंगी हो रही हैं उसे खाना छोड़ दें। बता दें कि टमाटर की बढ़ती कीमत पर योगी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि पहली बात तो हम ये कहेंगे कि टमाटर गमले में लगा लीजिए, बहुत सारी चीजें महंगी हैं तो खाना छोड़ दीजिए, अपने आप सस्ती हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हर समस्या का एक समाधान है। हर साल टमाटर महंगा होता है, इस सीजन में भी टमाटर महंगा हुआ, आज कोई नई बात तो नहीं है। हम तो बचपन से देखते आए हैं कि हर साल इस सीजन में टमाटर महंगा होता आया है। हम लोगों को सलाह देंगे कि अपने घरों में पोषण वाटिका बनाएं और घरों में टमाटर को उगाएं। इसलिए वृक्षारोपण में टमाटर हमें उगाना चाहिए और लगाना चाहिए। आखिर क्या दिक्कत है टमाटर लगाने में? वहीं अगर टमाटर नहीं खाना है तो नींबू का इस्तेमाल कर लीजिए। जो चीज ज्यादा महंगी हो गई है उसे छोड़ दीजिए, अपने आप सस्ती हो जाएंगी। जब कोई खाएगा ही नहीं तो खुद अपने आप सस्ता हो जाएगा। पहली बात तो हम ये कहेंगे टमाटर गमले में लगा लीजिए, बहुत सारी चीजें महंगी हैं तो खाना छोड़ दीजिए, अपने आप सस्ते हो जाएंगे। हर समस्या का एक समाधान है। किसी महंगाई को हर ये कोई नया नहीं है, टमाटर इस समय हर समय महंगा होता है, ये सीजन ही इस तरह का है, ऑफ सीजन है, हर समय महंगा होता है, आज की नई बात तो है नहीं। टमाटर हर समय, हम तो बचपन से देखते हैं कि ये जो सीजन है इस समय टमाटर महंगा होता है। हम सलाह क्या देंगे लोगों की? सलाह देंगे पोषण वाटिका बनाए, गमले में लगा लेना टमाटर, बहुत सारे टमाटर अभी आने वाले समय में। हम लोग तो जहाँ से विधानसभा मारी है तो टमाटर तो बिल्कुल रास्ते ही पड़ा वेस्ट जाता रहता है। तो टमाटर हमें उगाना चाहिए, लगाना चाहिए वृक्षारोपण में। पांच गमले में आप टमाटर लगा लो ना, क्या दिक्कत है? सभी लोगों से कह रहे हैं टमाटर निकल आएगा, टमाटर नहीं खाने, नींबू का इस्तेमाल कर ले, और जो चीज़ ज़्यादा महंगी उसको छोड़ दे, त्याग कर दे, अपने आप सस्ती हो जाएगी। बचेगा तो फिर कौन खाएगा? जब कोई खा ही नहीं रहा तो वेस्ट ही जा रहा है, मिलने लगेगा सस्ता हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक पोषण वाटिका बनाई गई है, असही गांव है, हम लोगों ने एक पोषण वाटिका बनाई है। पूरे गांव की महिलाएं अपने गांव के पिछवाड़े में जो हिस्सा जहां कूड़े इकट्ठे करते हैं उसको कूड़ा इकट्ठा न करके पोषण वाटिका का रूप दिया है, जिसमें उन्होंने सब्जियां उगाई हैं और एक एक बीज डाल के तरोई है, लौकी है, टमाटर भी उसमें उगा सकते हैं। छोटी सी वाटिका बनाई, अब सब्जी लेने उनको जाना नहीं पड़ता, अपने बस वहाँ पोषण वाटिका से सब्जी लेती हैं और अपने यहाँ सब्जियाँ बनाती हैं, उसमें टमाटर भी लगाया जा सकता है।